श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में रोजवे प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया। दरअसल डिपो चीफ की ओर से नियमों का उल्लंघन करते हुए बारात के लिए रोडवेज बस मुहैया करवाई गई है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि रोडवेज प्रशासन लगातार इस मामले को दबाने का प्रयास भी कर रहा है। हालांकि उपखंड अधिकारी पवन कुमार ने लिखित शिकायत के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यहाँ बारात के लिए कोई कांटेक्ट नहीं किया गया था। हमारे द्वारा यहाँ से बस के लिए यात्रियों की मांग आई थी कि भाई बस डायरेक्ट जाएगी जिसमें पदमपुर के लिए यात्री जा रहे हैं। हमने बस के अंदर जो उनका वाजिब किराया बनता था 25% सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में उसके साथ वाहन को संचालित किया था। सर आप उन्होंने गलत लिखा था, ऐसा कोई कॉन्टेक्ट हमारा नहीं हुआ। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।